पकड़ मेरा हाथ पकड़ ले, आ जा। तो ये बन गई पूरी भैंस, चढ़ाई नहीं चढ़ पा रही है। दादी ने यहाँ पे लगाया है प्याज, प्याज है ये। पाइप देखो कितने लगे हुए हैं, एक हमारा वाला कौन सा है इसमें? हमारा वाला ये है, दो दो और दो चार, यानी कि चार चार घरों के पानी जाते हैं यहाँ से, और आज पानी नहीं आ रहा है ना, तो किसी किसी के यहाँ पे बर्तन भी रखे हुए हैं। और चढ़ाई चढ़ते हैं ना, मेरी सांस फूल जाती है यार, इसीलिए बोलता हूँ यार सेहत कम कर लो, चर्बी इतनी भर रखी शरीर में, चढ़ाई पे सांस ही फूलेगी और क्या होगा, है ना सबू? क्या कर सकते हैं, अब घट नहीं रही तो क्या कर सकते हैं, दौड़ भाग करो सुबह शाम रोड में। हाँ। दौड़ भाग कहाँ से करना? ये देख गुने पक्को, देख पीछे का कैसा नजारा दिख रहा है बाबू, देखिए पीछे का वो देख, खतरनाक लग रहा ना, बहुत अच्छा लग रहा ना पीछे, यहाँ से दिखाइए उधर पीछे बैक कैमरे से, गाँव गाँव में कोई लोग है नहीं, सारे लोग यहाँ से भाग गए। ये दिखता है मेरा गाँव, कितने घर होंगे यहाँ पर टोटल? 20-25 होंगे, ज्यादा 20-25 में ज्यादा ही बता दी मुझे लग रहा है, कम ही होंगे 18-17-18 तक होंगे, बाकी लोग सब घर से ऊपर आ रखे हैं हम गांव में। तो यहाँ पे बैठ रखा हूँ देखो छाए में, और ये बगल में है पहाड़ी ब्लॉगर गुना। तो आज क्या 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 देने वाले हो तुम स्पेशल वीडियो में आज? तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपना प्लेस टूर देने वाली हूँ। उससे पहले एक होम टूर आया है जो कि आपने देखा होगा, और आज मैं आपको देने वाली हूँ प्लेस टूर, क्योंकि काफ़ी लोग से क्वेश्चन आ रहे थे काफ़ी लोगों के कि भाई अपने गांव को भी दिखाओ। तो वैसे इससे पहले भी मैं लॉकडाउन में जब गांव आई थी तो प्लेस टूर नहीं दिया था हमने उस टाइम पे, है ना, लेकिन जिस लोकेशन था, हल्का फुल्का था वैसे ऐसे ही। हाँ, लेकिन जिस लोकेशन में अभी हम बैठे हैं ना, ये बैठे हैं, मैं तो खैर खड़ी हूँ, तो यहाँ से हमारा गाँव दिखता है पूरा, पूरी लोकेशन यहाँ से दिख जाती है गाँव की। तो वही शायद हमने दिया था, लेकिन पूरे गांव का टूर नहीं दिया था, तो आज गांव का टूर देंगे। तो चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, है ना, चलो ब्लॉग करते हैं अपना स्टार्ट। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने गांव हैं, गांव सॉरी कितने गांव नहीं कितने घर हैं। तो घर अगर हम काउंट करेंगे तो देखते हैं, है ना, अपने हस्बैंड को बोलूँगी घर भी काउंट करते रहो। तो अब आ गए हैं हम रास्ते में, तो सबसे पहले आपने मेरी ट्विन सिस्टर को देखा होगा, तो मैंने कई बार आप लोगों को, जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उन लोगों को पता होगा, मेरी और मेरी ट्विन सिस्टर का जो ससुराल है एक ही गांव में है, और घर के घर भी बहुत पास पास हैं हमारे। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका जो ससुराल है, वैसे वो रोड साइड में उसने अपना घर बनाया है अलग से मतलब, लेकिन जो उसकी फैमिली रहती है वो यहाँ पर रहती है हमारे घर के बगल में। तो ये वाला जो घर है ना, ये उसी का ही है, उसकी उसका ससुराल है ये मेरी ट्विन सिस्टर का। तो चलिए वहाँ पे उनके घर ले चलती हूँ आपको, तो आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है मेरी ट्विन सिस्टर का ससुराल। तो यहाँ पे उसकी फैमिली रहती है, उसके सास ससुर और उसकी देवरानी और उसके देवर वो लोग रहते हैं, तो ये उनका घर है। और यहाँ पे रहते हैं ताऊ जी, तो ताऊ जी लोग भी अभी लॉकडाउन में ही घर आए हुए हैं। तो ताऊ जी कुछ बोलोगे आप कैमरे पे? तो ताऊ जी है और अंदर ताई जी है, मतलब हम बुआ बोलते हैं क्योंकि उनका मायका और मेरा मायका एक ही गांव में, तो हम बुआ ही बोलते हैं। तो आजकल लॉकडाउन में ही घर आए हुए हैं, वैसे गर्मियों में भी घर में ही रहते थे। तो ये वाला घर, और यहाँ से जो बिल्कुल सामने दिख रहा है वो मेरा घर, तो वहाँ का मैंने आपको होम टूर दिया है, आपने देखा होगा। तो चलते हैं फिर, और यहाँ से रास्ता स्टार्ट, बाकी खेतों में काम स्टार्ट हो गया है, तो हम भी जाएंगे शाम को खेत में। तो अब मैं आ गई हूँ अपने सिस्टर की फैम मतलब ससुराल दिखा के, उसके बाद एक ये वाला घर स्टार्ट हो जाता है। ये इस लेन का जो कहते हैं ना रेल वाली जो लेन है, तो फर्स्ट घर ये है शताब्दी एक्सप्रेस है ये, और ये दूसरा घर, और ये तिवार टाइप का है जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो पहले के टाइम पे ऐसे ही घर होते थे तिवार टाइप के, है ना, तो उस टाइप के घर होते थे। दादी होगी अंदर? दादी नहीं है। और एक प्राणी ये, और उसके बाद ये दूसरा तीसरा घर है ये, है ना, इस लेन का तीसरा घर है, और यहाँ पे जीप भी है। क्या तुम कन्या काम पर लगी? चल
चल। तो उसके बाद ये वाला घर, और जो मैंने अभी जेठी से हम बात कर रहे थे ना, तो उन्हीं का यहाँ पे घर बन रहा है अभी, तो वो दूसरे वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं अभी थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये घर उनका बन रहा है। तो आप देख सकते हैं, और ये हमारी चाची जी क्या कहने पिंडो लगाने क्या लगा स्टार्ट होता है। ये है मेरी जेठानी का घर, तो जो मेरे होम टूर में जो जेठ जी साहब मिले होंगे, तो ये उन्हीं का घर है। अभी मुझे लग रहा है जेठ जी बकरी में गए हुए हैं, तो बकरियां चुमाने गए हैं। और ये है मेरी दूसरी छोटी वाली जेठानी का घर है ये वाला। तो ये वाली जो जेठानी है वो गई आज देवप्रयाग, उनके दांत में हो रहा है दर्द। फिर ये दूसरा घर, यहाँ पे भी एक दादी रहती है बस। और ये उन चाची का घर है जिनसे मैं अभी मिली, जिनको मैंने अभी नमस्ते किया है, तो ये उनका घर है। और ये आता है फिर चाची लोगों का घर, इनको मैं चाची बोलती हूँ। तो अभी शायद घर में भी कोई है नहीं। चाची ये वक्त चाची उधर है, मैं उठ गए सो के पबजी में 10,000 लगा दी इसने, रॉयल पास खरीद के पबजी मैन उठ गए सो के। और जो चाची का घर है उनकी आवाज वहाँ से आई है, तो देखते हैं चाची क्या कर रही है वहाँ पे। क्यों नहीं कर रही चाचा को नमस्ते? नहीं कर रही आपको? नहीं कर दिया, रहे बिगड़ी है बहुत। और एक घर ये है हमारे दादाजी का, दादाजी एक्सपायर हो गए, दादाजी एक्सपायर हो गए हैं। तो उनकी फैमिली सारे, मतलब जो बहू बेटे हैं सब बाहर ही रहते हैं, तो ये घर उनका है। और बाकी जो आपको यहाँ से घर दिख रहा है वो है दिल से पहाड़ी, यानी कि सचिन पवार का घर, तो वहाँ भी चलेंगे अभी, देखते हैं सचिन पवार क्या कर रहे हैं। क्या ही कुछ करनी, बोलो जरा कैमरे पे कुछ। चाची जी हल्दी लगा रही है और अदरक लगा रही है। ये हल्दी तो सूख रखी है। हाँ ये लगन भी क्या लगन भी है, अब छंटा छंटा लगा ले मैंने, छठे छठा छबक बटी लगे ना लौड़ी। चाची अभी बारिश हुई और चाची आज खेत में आ गए, बताओ। तो चाची रात को ही आ जाती खेत में। क्या है ये? पंचायत भवन ही है ये। पंचायत भवन क्या है ये? पंचायत भवन है ये, इसमें पंचायती सामान रखते हैं जैसे। तो इसमें ये है पंचायत भवन, शादी ब्याह का सारा सामान रहता है, टेंट वेंट का, शादी ब्याह का, मतलब जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं शादी वादी के बर्तन जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो यहाँ पे रखे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसकी बात आ जाता है हमारा पानी, जो घर जो घर कि में आता नहीं है, जो कि आजकल आ नहीं रहा है, आता है लेकिन आजकल नहीं आ रहा ना, क्योंकि अब लोग घर आ गए ना, जैसे शहर से लोग घर आते हैं ना तो पानी बंद हो जाता है, पानी टूट जाता है। इसकी दुश्मनी है हम लोगों से। तो ये है पानी, यहाँ पे पीने का पानी सारे गाँव वाले यहीं से भरते हैं। तो उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पे ये दो घर है, और यहाँ पे हमारी चाची जी रहती है, बगल में दीदी रहती है, मतलब रिश्ते में दीदी रहती हैं। तो दो घर ये हैं यहाँ पे, बाकी इधर से दिल से पहाड़ी यानी सचिन का घर है। तो चलते हैं जरा नीचे की तरफ। सचिन को नमस्ते, उठ गए सर, दिल से पानी मुझे लग रहा है सो रहे हैं अभी। अच्छा क्लास चल रही है। हेलो। तो ये है हमारे दिल से पहाड़ी, और कुछ लोगों को पता होगा जो लोग हमसे मतलब पर्सनली मुझसे जुड़े हैं, तो उनको पता है कि दिल से पहाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था। तो अभी ठीक है ना? अभी ठीक है। हाँ, तो ब्लॉग वगैरह भी डाल रहे हैं पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ना, अभी हाथ में थोड़ा पेन होगा इस वजह से। दो साल से मैं नहाया नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आजकल पानी नहीं आ रहा घर में। पानी ना नहीं हुआ है सकल है आजकल। फिर अब चलते हैं घर, क्योंकि टाइम हो गया है, लंच टाइम होने वाला है। तो तो अब लंच बनाएंगे, घर जाते हैं। और ब्लेस टूर हो गया हमारा यहीं पे ख़त्म, तो लास्ट दिल से पहाड़ी का घर, बाकी नीचे भी हैं और घर, वो लोग गाँव में तो रहते ही नहीं है, सब लोग बाहर ही रहते हैं। चलो आ जाओ, चाचू को बाय करो, बाय करो चाचू को, बाय करो लगते चाचू। हाँ आ जाओ। तो अभी आ गए हैं हम, वापस जा रहे हैं अपने घर।
क्योंकि भाई लंच टाइम हो गया है, काफ़ी देर हो गई है, तो अब बनाएंगे लंच। और यही था मेरा विलेज टूर, होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, और मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।